दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक छोटा सा मूर्तिकार रहता था। वह बड़ा ही ईमानदार और मेहनती मूर्तिकार था। एक दिन उसके गांव वालों ने उसे एक मूर्ति बनाने के लिए कहा, जिसकी स्थापना वे अपने गांव के मंदिर में करना चाहते थे। इसलिए वह मूर्तिकार एक बड़े और मजबूत पत्थर की तलाश में अपने गाँव में घूम रहा होता है। अचानक उसे एक खेत में एक विशाल और मजबूत पत्थर दिखाई देता है। वह उस पत्थर को उठाकर अपनी लकड़ी की गाड़ी में रख लेता है, फिर वह आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर चलने पर अचानक से उसे एक और मजबूत और बड़ा पत्थर दिखाई देता है। वह सोचता है कि मुझे ये पत्थर भी उठा लेना चाहिए, क्या पता आगे कोई काम आ जाए। अब वो दोनों पत्थरों को अपने गाड़ी में रखकर अपने घर आ जाता है। उसके बाद वह तुरंत ही उस पत्थर को लेकर उसे हथौड़े से मार मार कर मूर्ति का आकार देने में लग जाता है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है, रुक जाइए, मुझे मत मारिए, मुझे दर्द हो रहा है। मूर्तिकार यहाँ वहाँ देखता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब उसे पता चलता है कि यह आवाज़ तो पत्थर से आ रही है। अब मूर्तिकार उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें मूर्ति नहीं बननी? तो वह कहता है कि नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। मुझे मेहनत, मुश्किल काम तथा ऐसे काम जिसमें दर्द हो बिल्कुल पसंद नहीं है। तब मूर्तिकार सोचता है कि मुझे दूसरा वाला पत्थर लेना चाहिए। अब वह दूसरे पत्थर से एक सुंदर सा गणेश जी की मूर्ति बना देता है। अगले दिन उसके गांव के लोग आते हैं। तब मूर्तिकार कहता है कि वह मूर्ति तैयार हो गई है, आप लोग इसे ले जा सकते हैं। जब गांव वाले मूर्ति को ले जा रहे होते हैं, तब उनमें से एक आदमी कहता है कि नारियल फोड़ने के लिए एक दूसरा पत्थर भी चाहिए। फिर जब मूर्तिकार यहाँ वहाँ देखता है तो उसे वही पहला वाला पत्थर दिखाई देता है जो उस दिन रो रहा था। वो वही पत्थर उन लोगों को दे देता है। अब मंदिर में मूर्ति की स्थापना हो जाती है, साथ ही उस पत्थर को भी नारियल फोड़ने के लिए मूर्ति के पास रख दिया जाता है। अब लोग मूर्ति की पूजा करते हैं और नारियल उसी पत्थर पर फोड़ते हैं। अब जो पत्थर शुरुआत में रो रहा था उसी को दर्द सहना पड़ रहा है, लेकिन जो पत्थर शुरुआत में दर्द सह गया आज उसकी पूजा हो रही है। अब तक आप लोग ये समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। अब आते हैं हम लोग अपने असली मुद्दे पर। ये वीडियो उन लाखों स्टूडेंट के लिए है जो मेहनत तो करते हैं पर सही दिशा और सही समय पर निर्णय लेने से चूक जाते हैं, और बचता क्या है, सिर्फ बहाने और बहाने। मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना एक एक पल अपने लक्ष्य को पाने के लिए खर्च करेंगे और ना पढ़ने के सारे बहाने खत्म हो जाएंगे। अगर आपको स्टूडेंट लाइफ में खुद को एक्टिव रखकर सफलता प्राप्त करनी है तो आपको मेरी ये 10 नियम ध्यान में रखने होंगे। नियम नंबर 1, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो। एकांत में कुछ पल बैठकर अपने जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करो। जिस ऊंचाई को, जिस सफलता को तुम प्राप्त करना चाहते हो उसके बारे में सोचो, क्योंकि जब तक मंजिल का ही पता नहीं तो किस रास्ते पर चलोगे, ऐसे तो तुम हमेशा भटकते ही रहोगे। नियम नंबर 2, अपने लक्ष्य के अनुरूप योजना बनाओ। अपने देखना आसान हो सकता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए एक सफल योजना के अनुरूप ही कार्य करने की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़े हथियार और साधन होते हैं अच्छी पुस्तकें, इसलिए अपने लिए अच्छी अच्छी पुस्तकों का चयन करें। नियम नंबर 3, समय के पाबंद बनो। किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए उसे समय पर पूरा करना सबसे जरूरी है। आज का काम अभी पूरा करने की आदत डालो, ना कि कल या बाद में। नियम नंबर 4, जुट जाओ कठोर मेहनत के साथ। केवल योजना बनाने और लक्ष्य बनाने मात्र से ही सफलता नहीं मिल जाती है, इसके लिए मन में लगन होना आवश्यक है। कहा जाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो उठो और इतनी मेहनत करो कि तुम्हारे सपने और लक्ष्य को तुम्हारे सामने घुटने टेकने पड़े। नियम नंबर 5, एकाग्रता होना जरूरी। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अन्य बातों पर ध्यान न लगाते हुए केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें पायलट बनना है, तो तुम्हें केवल इन्हीं के सपने देखने होंगे। अगर तुम एकाग्र नहीं हो पाए तो अपने लक्ष्य से चूक जाओगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य के किरणों के समान होती हैं, जब वो केंद्रित होती है तो चमक उठती है। नियम नंबर 6, ईमानदारी के साथ अध्ययन करना। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो तुम्हें अपना हर कार्य ईमानदारी से करना होगा। अपने पेरेंट्स को धोखे में रखना, अपने टीचर को धोखे में रखना कि मैं पढ़ तो रहा हूँ, सही मायने में ये घर वालों या टीचर को धोखा नहीं है, ये अपने आप को धोखा है। जो व्यक्ति खुद के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने सपनों के प्रति ईमानदार नहीं है, वह दुनिया में किसी के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता। नियम नंबर 7, नियमितता का होना।
स्टूडेंट्स को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए अपने स्टडी में नियमितता लानी होगी, अर्थात सफलता के लिए तुम्हें हर रोज एक निश्चित समय पर नियमित रूप से अध्ययन करते रहना होगा। कई बार यह देखने को मिलता है कि कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई छोड़ देना, फिर पढ़ाई शुरू करना, या फिर जब परीक्षा शुरू होती है तब पढ़ाई में जुटना। इस तरह की अनियमितता से लक्ष्य कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता। नियम नंबर 8, त्याग। त्याग और विद्यार्थी का तो चोली दामन का साथ होता है। अपने नींद, अपनी मस्ती, अपने बेकार के दोस्त, अपने बेकार की आदतों को त्यागो, तभी तुम सफलता को प्राप्त कर सकते हो। नियम नंबर 9, लगन और इच्छा शक्ति। यह सोचकर जुट जाओ कि कुछ महीने की, कुछ वर्षों की तुम्हारी मेहनत तुम्हारी जिंदगी सुधार देगी, तुम्हारे और तुम्हारे अपनों के सपनों को पूरा कर देगी। जिस दिन तुम्हारे मन में यह आ गया कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे और सीखने की आवश्यकता नहीं है, उस दिन से सीखने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अगर इसे अपना लिया तो सफलता एक न एक दिन तुम्हारे कदम जरूर छूमेगी। नियम नंबर 10, अपने आप पर विश्वास रखो। आई कैन डू इट। जुट जाओ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के राह पर आगे बढ़ने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ, क्योंकि खुद पर विश्वास ही तुम्हें जीत दिलाएगी। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो आपको जीत की ओर धक्का मारेगा। तो उठो, जागो, बढ़ो और जीत लो दुनिया।